यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो गाइस। देख सकते हो FS18 हमने पिछले एपिसोड्स में खेली थी, लेकिन आज भाई हम स्टार्टिंग करने वाले हैं FS14 की। देख सकते हो हमारे पास हमारी FS14 वाली कार। भाई आज इससे काम शुरू करेंगे। तो गाइस आपको शायद पता होगा, पिछली वाले एपिसोड में हमने FS14 के एपिसोड में कुछ ट्रैक्टर्स और कोई कार खरीदी थी, सॉरी ट्रक खरीदा था। यस, ये देख सकते हो भाई, एक ट्रक और चार ट्रैक्टर खरीदे थे भाई। तो आज हम इससे अपना काम शुरू करेंगे, काम करने का। तो गाइस फटाफट काम शुरू करते हैं। देखते हैं आज का कौन सा हमारा काम रहता है। पहले तो भाई ये कल्टीवेट करने, सॉरी कल्टीवेट नहीं करने, इसके पीछे बेल टूल लगा के रहना ट्रैक्टर के पीछे। भाई इसको बेल टूल का लेकर वो जाने हैं। गाइस फटाफट बेल टूल लेकर आते हैं। भाई ये भी कनक उग चुकी है, यहाँ पर भाई कृपैन लगानी है। भाई आज काम बहुत है हमारे पास, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई सब। गाइस फटाफट करते हैं, और दूसरा भाई कृपैन लेकर वहाँ पर जाते हैं, ताकि भाई जहाँ पर भाई ये लगा लेते हैं हम अपना हेल्पर। भाई दूसरा लेकर जाते हैं ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर की लोड नहीं है भाई, हमें कृपैन चाहिए। एक कर ये रही भाई हमारी कर। इसे भाई दूसरे वाले फार्म में अपने लेकर चलते हैं, जहाँ पे उगी पड़ी है हमारी कनक। जिससे भाई हमारा फटाफट काम हो जाए। जल्दी से गाइस फार्म पर चलते हैं। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमने यहाँ पर भी हेल्पर लगा दिया, वो अपना काम अच्छे से कर लेगा। गाइस अभी हम दूसरा काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसा काम चल रहा है। और भाई शायद हमें दूसरा बेल टूल भी खरीदना पड़े, बिकॉज हमारे पास अभी बहुत सारी भाई फार्म्स है। मेरे ख्याल से भाई कृपैन वहाँ पर रुक ना जाए, बिकॉज कई सारी मैं मशीनरी से वहाँ पर खड़ी की थी। एक बार भाई चक्कर लगा कर आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। नहीं भाई रुकेगी तो नहीं शायद, इसको भाई साइड पे कर लेते, ट्रैक्टर से धक्का दे देंगे भाई। कौन सा इतना भारी है हमारे ट्रैक्टर में भाई, हॉर्स पावर बहुत है। ये लो भाई हमने आगे को कर दिया है वाली मशीनरी। और भाई और तो कुछ नहीं है, नहीं है गाइस। चलो भाई अभी बेल टूल खरीदते हैं और भाई काम शुरू करते हैं। पहले हमें भाई जाना है वहाँ पर मशीनरी वाली शॉप पे भाई, वहाँ से भी एक बेल टूल खरीद के लेकर आना है। जिससे गाइस अपना काम जो है आसान हो जाए फार्मिंग का। और भाई हमारे काउस को भी भाई, बफेलोस को जितनी हमने रखी है उनको भी भाई फायदा हो, अच्छे से अच्छा फूड वो खा सके। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पहुंचने वाला हूँ बस, मैं बस पहुंच ही गया भाई। लो जी पहुंच गए हम। यहाँ से एक बेल टूल खरीदेंगे। ये फर्टिलाइजर मशीन है, कई ट्रेडर्स है। ये रहा भाई बेल टूल। गाइस इसे लेकर चलते हैं बेल टूल को, बिकॉज भाई ये दूसरे फार्म में हमारे काम आएगा। एक वाला हम दूसरे अपने दूसरे वाले फार्म के लिए रख लेते हैं, और ये वाला भाई आगे वाले फार्म के लिए रख लेंगे। भाई रुक जा गाड़ी वाले, इतनी क्या जल्दी है अभी। भाई ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है भाई, जो देख रहे हो ना आप, नदी के किनारे से जाना, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है हमारे फार्म तक पहुंचने का। गाइस फटाफट लेकर चलते हैं। ये वाला है यहीं छोड़ देंगे, बिकॉज हमने पास वो वाला है दूसरे फार्म में। ये भाई कर पैन वाला ठीक से काम कर भी रहा है, ठीक है भाई इसका काम ठीक चल रहा है। गाइस दूसरे वाले फार्म में जाकर देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं, बेल टूल वाला काम हो गया अच्छे से। भाई वो वाला भी कर रहा है बेल टूल का। ये रहा गाइस वो वाला बंदा। भाई हेल्पर से अपनी जॉब द्वार से ले लेते हैं, उसकी जॉब ले लेते हैं द्वार से। गाइस अभी हमने उसको कहा कि तू बैठ आराम कर, अभी थोड़े सा टाइम मैं ले लेता हूँ। गाइस देख रहे हो अभी हो चुका है ये वाला काम। इसे भाई सेकंड वाले खेत पे लगाते भाई। भाई थोड़े निकले, कोई बात नहीं सर जाएगा हमारा वैसे। गाइस ये वाला है सेकंड फार्म, तो इस पे काम शुरू करते हैं।
गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारा ये वाला फार्म भी हो चुका है कंप्लीट। सो गाइस अभी हमारे पास वो वाला चाहिए, दूसरा बेल टूल इकट्ठा, सॉरी बेल इकट्ठे करने वाला। सो भाई वो नहीं है हमारे पास, वो भी नहीं है। सो भाई वो भी लेकर आना पड़ेगा यार, क्या ही कर रहा हूँ मैं। सो गाइस फटाफट चलते हैं मशीनरी की शॉप में और भाई उसको लेकर आते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा भाई। अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है जो हमने पूरी करनी है अपने फार्म के लिए। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम पहुंच चुके हैं अपनी फार्मिंग वाली मशीन पे, सॉरी शॉप पे। सो अभी सो ये रहा भाई बेल टूल, सो ये भाई बाय कर लेते हैं, कुछ इतना महंगा भी नहीं है। सो भाई जल्दी से इसे भाई कनेक्ट करते अपने ट्रैक्टर से और लेकर चलते हैं भाई इसको। अभी भाई दूसरी वाले ये क्या हो गया? अच्छा भाई उसका भाई ट्रैक करपैन का वो कैपेसिटी फुल हो गई थी, तो वो भी भाई हमें इकट्ठा करना है भाई। क्रेन जो है वो भाई हम ट्रैक्टर में स्टोर करेंगे अभी भाई, सॉरी ट्रक में। भाई ट्रक किस काम के लिए ले आके रखा है हमने। सो गाइस इसे फटाफट लगाते हैं यहाँ पे, आई थिंक ये ऑटोमेटिक नहीं होगा भाई, इसे हम खुद पहले वो वाली लेकर चलते भाई, ट्रॉली लेकर चलते हैं वहाँ पे, ये वाला ट्रक लेकर चलते हैं। सो भाई जो ग्रेन है वो इकट्ठा हो सके। सो भाई काफ़ी अच्छी भाई साउंड दे रहा है हमारा ट्रैक्टर, कहाँ गई मशीन, ये रही भाई। अभी FS 14 में देख सक, FS 18 में आप देख रहे थे भाई क्या ही वहाँ पे ट्रैक्टर्स थे भाई। कभी हमने बहुत ही अच्छे से भाई कल्टीवेट भी कर लिया है, फर्टिलाइजर कर लिया भी, उसके भी कनक उगने का दे रहे। फिर हम वहाँ पे भाई बेलकूट टूल इकट्ठे करेंगे। सो भाई वहाँ पे भी बहुत मज़ा आने वाला है। अगर भाई इस वो वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ भाई, वहाँ से जाकर देख लेना एक बार। और भाई अगर तक आपने ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ जल्दी से आके वीडियो को लाइक कर दो गाइस। और भाई थैंक यू, सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ रहे हैं हमारे, ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखना अपने वीडियोस में अपना सब्सक्राइबर का। और भाई शेयर लिंक करें आगे से आगे, ताकि भाई हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स आगे के आगे बढ़े। सो जैसे कि लोग देख रहे हो भाई इकट्ठे हो रहे हैं ये डिब्बे डिब्बे से जो हमने पहले बनाए थे, अभी ये इकट्ठे कर रहे हैं। सो गाइस ये सिर्फ वो वहाँ पे काम आने वाले हैं काउस के लिए, पिछली बार हम पट्टे लेकर गए थे, इस बार तूड़ी है, ये हम कह सकते हैं कि तूड़ी हो सकती है। सो भाई यहाँ से तो 25% तक, 25% तक गया है। तो गाइस बस यहाँ से कलेक्ट हो चुके हैं, अभी भाई सेकंड वाले फार्म से शुरू करना है, फिर भाई वहाँ पे जाना है अपने सेकंड वाले एरिया में, वहाँ पे फार्म है तो वहाँ से भी इकट्ठे करने भाई। तो गाइस इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ही बात है यार भाई। मेरे हिसाब से यहाँ पे 60% तक हो जाएगा ये दो लैंड्स को मिला के, 62 हो गया भाई। अभी इसको छोड़ के आते हैं बिकॉज वहाँ पे एरिया थोड़ा सा पड़ा है, वहाँ पे अभी शायद दो बार हमारे चक्कर लग जाए। सो ये अभी इस बंद कर लेते हैं। सो गाइस अभी हमने छोड़ना है इसको अपने काउ और बफेलोस के लिए फूड है, सो देख सकते हो भाई। सो भाई सभी सॉरी गाइस सभी कलेक्ट होके भाई अंदर जा रहे हैं रूम में। सो गाइस अभी इसको ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं वहाँ पे, खड़ा क्यों करना गाइस, वहाँ पे दूसरे वाले लेकर जाते हैं, यहाँ पे कल्टीवेटर भी छोड़ देंगे भाई। गाइस पहुंच चुके हैं सेकंड वाले, अभी इसको डिसकनेक्ट करके भाई हमने दूसरे पे लगाना है बेल टूल के ऊपर भाई। सो ये रहा हमारा बेल टूल। सो भाई करपैन ने अपना काम कर चुका है, करपैन वाला हेल्पर, सभी उससे रेस्ट देंगे भाई। और भाई इसे काम पे लगाते थे, यहाँ पे काम पे लगा देते करपैन से उठा कर कि तू भाई यहाँ पे लग जा, अभी हम तेरी करपैन साम के रखते हैं। सो ये रही गाइस उसकी करपैन, कहाँ गई ये रही। सो गाइस इसे अभी साइड पे लगा लेते हैं अपने नदी किनारे,
फिर भाई वहाँ से उठा लेंगे एकदम से। और भाई यहाँ पे कल्टीवेटर्स भी लगाने हैं, तो गाइस मेरे ख्याल से ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है भाई, कर रहा है, ठीक है भाई। सो भाई अभी सेकंड वाला ट्रैक्टर लेकर जा सेकंड वाला ट्रैक्टर लेकर चलते हैं, वहाँ पे कल्टीवेटर्स है। सो ये रहा भाई हमारा कल्टीवेटर्स, सो इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। सो गाइस आपको कौन सी भाई वीडियो अच्छी लगती है, यहाँ पे FS18 की वीडियो अच्छी लग रही है या फिर FS14 की भी, प्लीज़ भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जल्द से जल्द भाई कोशिश करूँगा FS19 की भी हम वीडियोस पाएँ, FS22 की और FS19 की। गाइस अभी देख रहे हो कल्टीवेटर तो शुरू कर दिया है। सो गाइस अभी सेकंड ट्रैक्टर जाकर भाई, सेकंड कल्टीवेटर शायद हमारे पास नहीं है, नहीं कल्टीवेटर सेकंड नहीं है हमारे पास, एक ही था। कोई बात नहीं गाइस, जब तक हम वहाँ पे भाई फर्टिलाइजर तो अभी नहीं लगाएंगे, सेकंड वाले भाई खेत में जाकर देखते हैं क्या हुई क्या ही चल रहा है। जा भाई बेल टूल के पीछे पीछे वो वाला भाई उठा लेते हैं, जल्दी से हमारा काम निबड़ेगा। सो ये रहा भाई हमारा ट्रैक्टर, सो भाई रेड से रेड मैच हो जाएगा, कनेक्ट हो जा भाई। हो गया भाई फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी भाई इसका हमने ऑन कर दें, अभी ये कहाँ छोड़ी जा रहा है यार ये वाले। ओ भाई भाई ये बेल टूल निकाल क्यों नहीं रहा भाई साहब, कोई गड़बड़ी आ गई क्या बेल टूल में भाई। 60 की 60 पड़े हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। छोड़ो भाई मुझे, आप खुद करने दो भाई, मुझे इस पे यकीन नहीं है। क्या ही चल रहा है गाइस, 63 से नहीं ये तो आगे जा रहा है। ओ सॉरी मुझे वो पहले कनेक्ट करना था, लेकिन भाई भैया ने कनेक्ट नहीं किया यार, वहाँ तक तो सभी ले गया। अच्छा गाइस ये न्यू है, इसके लिए भाई वहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है मैं समझ गया। बिकॉज भाई पहले से इसमें वो इकट्ठा नहीं, स्टोरेज नहीं हो सकी, तो देख सकते हो गाइस पीछे एक आ गया होगा वो। देखो गाइस ये बात हुई भाई, हमने सोचा भाई कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ गई, नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बस थोड़ा सा वक्त लग गया। कोई बात नहीं गाइस अभी खुद ही कर लेते इसको। शुरू भाई अभी हम दूसरा देखते हैं, हमारा ये कल्टीवेटर हो गया और इसे सेकंड फार्म पे लगा जाके जाते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा सेकंड फार्म, सो इसे भाई यहाँ पे लगा देते हैं। सो भाई यहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं ये वाले। सो भाई ये इकट्ठा कर लिया है, सो भाई देख सकते हो बड़ी अच्छी से वो निकल रहा है। सो भाई ये उल्टा आ रहा है यार, इस हेल्पर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है यार। भाई क्या हो गया तुझको, ये वाला करना था यार। कोई बात नहीं गाइस अभी अपने आप ही खुद कर लेते हैं काम, थोड़ा सा ही रह गया, एक लाइन सी है, फिर से सेकंड फार्म्स पे लगा के आते कि तू भाई वो वाला संभाल। सो गाइस फाइनली एक खेत हो चुका है, तो सेकंड वाले खेत पे लेकर चलते से। सो गाइस इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं और भाई अपना वो वाला इकट्ठा करते। सो गाइस एक कॉर्ड पड़ा है वहाँ पे, वो वाला इकट्ठा करके हम सेकंड के वाले खेत में चलते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं ये वाले। सो गाइस ये देख सकते हो अपने काम करना शुरू कर दिया उसने भैया ने, भाई सामने से आ रहा है यार बड़ी रफ्तार से, शुक्र रुक गया। मुझे लगा था अभी ठोक देता है हमें, लेकिन गाइस ठीक है हमारे हेल्पर कुछ इतने ठीक ठाक चल रहे हैं हमारे साथ। सो अभी 37% हुए, सो कहाँ गया बोला गाइस। चलो यार अभी इसको टाइम बहुत लग जाएगा। सो गाइस देख सकते हो आप हमने ये वाला सभी कलेक्ट कर लिया वहाँ वाले फार्म से भी। सो अभी भाई इन गांव सॉरी
तो फेलोस और भाई काउस को अपने आप पाके आते हैं चारा, तभी वो भाई हमें गोबर देंगी और हम फर्टिलाइजर कर सकेंगे। सो गाइस वो नज़दीक ही है यहाँ से, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। सो ये रहा गाइस अपना फार्म, सॉरी वो फेलोस का फार्म। सो गाइस ये हो रही है, देख सकते हो भाई अपन रीलोडिंग कर रही है। चलो गाइस, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज लाइक के बटन में दबा देना। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।